नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। लगातार उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक ऐसे मुद्दे और मामले सामने आ रहे हैं जिससे यूपी की सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, जिस तरह से पहले ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी बवाल मचा, तो उसके बाद पैगंबर मोहम्मद को लेकर भी जमकर यहां पर भूचाल देखने को मिला। हाल ही में जिस तरह से आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, इसके बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। जी हां, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी कार्यालय की ओर से शिवपाल यादव और ओपी राजभर को पत्र लिखा गया है। शिवपाल यादव को लिखा गया कि अगर आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। वहीं दूसरी ओर सुभा सपा यानी के सुहेल देव समाज विकास पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर को भी अखिलेश यादव की ओर से ये पत्र भेजा गया है, जिसमें लिखा है, आपका बीजेपी के साथ मजबूत गठजोड़ है, लगातार बीजेपी को मजबूत करने के लिए आप काम कर रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो आप जाने के लिए स्वतंत्र है। बता दें, सुभा सपा विधायक ओम प्रकाश राजभर और सपा विधायक शिवपाल यादव को राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने पर अपना रास्ता अलग कर लेने की हिदायत अखिलेश यादव ने अब दे दी है। जी हां, इस पत्र की एक प्रतिलिपि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव और सपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष को भी भेजी गई है। ओपी राजभर यूपी के जहूराबाद विधानसभा सीट से विधायक है और साथ ही सुभा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। लगातार जिस तरह से अब शिवपाल यादव और ओपी राजभर को लेकर अखिलेश यादव की नाराजगी अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच शिवपाल यादव ने यूपी विधानसभा के पहले अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को भंग कर दिया था। अखिलेश यादव के साथ मनमुटाव दूर होने के बाद उन्होंने सपा चुनाव चिन्ह का जसवंत नगर के इलेक्शन में लड़ा था और जीते भी थे। आपको बता दें, सपा को चुनाव में 111 सीटें मिली तो पिछली बार से दोगुनी थी, लेकिन वो बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोक नहीं पाए। जी हां, वहीं अब सपा के पत्र के बाद ओपी राजभर ने पलटवार करते हुए कहा है, 24 घंटे में साफ हो जाएगा अखिलेश यादव के तलाक का स्वागत है, इन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी, हम हार गए, हम किसी के गुलाम नहीं, इनके नवरत्न अपना बूथ तक नहीं जिता सके, हम जल्द ही नई पार्टी का ऐलान करेंगे। राजभर की पार्टी ने हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया, साथ ही राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव में सपा द्वारा तवज्जो न देने को लेकर अपनी नाराजगी भी जताई। इसके बाद से दोनों पक्षों की ओर से लगातार बयानबाजी हो रही थी। पूर्व मंत्री राजभर का कहना है कि सपा गठबंधन की ओर से विपक्ष की अहम बैठकों में उनकी पार्टी को न्योता तक नहीं भेजा गया था, साथ ही अहम मुद्दों पर उनकी राय भी नहीं ली गई। तो आखिरकार लगातार जिस तरह से अखिलेश यादव की शिवपाल यादव और ओपी राजभर को लेकर जो नाराजगी थी, अब वो साफ तौर पर सामने आने लगी है। आखिरकार पार्टियों के बीच जो तलाक की खबरें आ रही थी, अब इस पर अखिलेश यादव, ओपी राजभर और शिवपाल यादव की ओर मोहर लगा दी गई है। सवाल यही है कि आखिरकार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव।